एक और ट्रेन हादसा, सादकाबाद में विल्हार रेलवे स्टेशन के करीब अकबर एक्सप्रेस और मालगाड़ी में तसादुम, 11 अफराद जहां भाग, 7 जख्मी हो गए। इंजन और 7 बोगियां तबाह, ट्रेनों का शेड्यूल शदीद मुतासिर, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, पाक फौज के जवान भी पहुंच गए। अकबर एक्सप्रेस हादसा सिग्नल तब्दील ना करने के बायस पेश आया, डीपीओ का बयान। एनी शाहिदीन का कहना है ट्रेन हादसा स्टेशन मास्टर की गलती थी, तेज रफ्तार अकबर एक्सप्रेस ओपन ट्रैक से मुड़ गई और खड़ी मालगाड़ी से जा टकराई। वजीर रेलवे शेख रशीद का अकबर एक्सप्रेस हादसे की तहकीकात का हुक्म, हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली, कहते हैं इंसानी गफलत हुई तो जिम्मेदारों को नहीं छोड़ेंगे, मुतासरीन की माली इमदाद का ऐलान कर दिया। वजीर आजम और सदर मुमलिकत का ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस, जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। इमरान खान कहते हैं कई अशरों से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नजरअंदाज किया गया, सेफ्टी मयार के लिए हंगामी इकदाम किए जाएं, वजीर रेलवे को हिदायत। सवात से लाहौर जाने वाली तेज रफ्तार मुसाफिर बस उलट गई, 10 अफराद जां भाग, 22 जख्मी हो गए, वाहकेंट और टेक्सला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ब्रामा इंटरचेंज के करीब फिसलन के बायस हादसा पेश आया, बस में 49 मुसाफिर सवार थे, ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। सवात के इलाके मटलतान कालाम में मकान पर पहाड़ी तोता गिर गया, 6 अफराद की जान चली गई, 2 खवातीन और 4 बच्चे शामिल, मकामी अफराद ने लाशें निकाल ली। अपोजिशन की रहबर कमेटी आज बैठक लगाएगी, नए चेयरमैन सेनेट के नाम पर मुशावरत होगी, तहरीके अदम एतमाद के तरीकेकार पर गौर किया जाएगा, 25 जुलाई को यौमे सिया पर भी मुशावरत होगी।